Where did I tell you how to download Mega RAM in GTA 5? First of all, open your Google Chrome and write download Mega RAM in GTA 5. This is now click on this Mega RAM object in GTA5mods.com. mods.com. Download this. I don't need to download because I already did it. Here is my file. Close Google Chrome. This is our file. Extract here. This. Click on cut and paste on GTA folder. Open file location. Paste. Move and replace. Okay. Now open your GTA 5. तो चलो दोस्तों हमने खोल लिया अपना GTA 5. इसमें हमारी गाड़ी है इन्फर्नस, सबसे तेज गाड़ी GTA 5 की. मैं अपने मॉड मेन्यू की मदद से F3 दबा के अभी चले आते हैं उसमें. ऑब्जेक्ट स्पॉनिंग, सेव नॉट ऑब्जेक्ट, सर्च फॉर ऑब्जेक्ट इन हियर. और ये हम आ गए मेज बैंक की सबसे जीटा की सबसे बड़ी बिल्डिंग, मेज बैंक की बिल्डिंग. सो उतरते हैं. और अगर आपको कभी भी GTA 5 का व्यू करना हो, GTA 5 की सिटी लॉस सैंटोस का व्यू करना हो, इस मेज बैंक की बिल्डिंग से कहें. पूरी बिल्डिंग दिख रही है आपको, पूरी बिल्डिंग मैटम. चले मैं आपको दिखाता हूँ अपना ये मेगा रैम. ये मेज बैंक की बिल्डिंग से नीचे जा रहा है. आप देखो तो ज़रा कितना बड़ा रैम है, ये इतना बड़ा है दिख नहीं रहा, इतने दूर तक जा रहा है. मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ. ये देखें कहाँ तक जा रहा है रैम, कहाँ तक, बिल्डिंग के कोने तक. चलिए आपका वक्त ज़ाया नहीं करता, मैं आपको जंप करके दिखा देता हूँ. अच्छा दोस्तों, मेरा सब चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और हिट द बेल आइकन ज़रूर कीजिएगा. मैं और वीडियो डालूँगा. ये हम इन्फर्नस से बैठ के चले, अब हम चलते हैं. ये हम कूदे, ये देखें कितनी स्पीड मैंने बूस्ट भी मार दी. अब देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं. और ये देखें दोस्तों, ये देखें हम कितना दूर आए हैं मेज बैंक की बिल्डिंग से. वो रही मेज बैंक की बिल्डिंग, हम कितना दूर आए. चलें दोस्तों, ओके.